तो दोस्तों देखिए, फाइनली राकेश ने कितना अच्छा अरबी की कंद को का आलू बना तो आलू बना दिया, चोखा मतलब अरबी के कंद का चोखा बना दिया है। हम लोग ऐसे करके खाते हैं, हम लोग तड़का नहीं लगाते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, यू आर व्लॉग में सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। हमारी ओर से आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जिंदगी में दोस्तों खुश होंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारे गांव का सुबह सुबह का नज़ारा आज ऐसे बना के रखा है और बहुत बादल आ गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि धूप में बैठे हैं लेकिन धूप ही नहीं गिर रहा है और ठंडी भी है दोस्तों। और आज हमारे घर पे देखिए ये क्या कर रही है, उर्मिला इधर बैठी है, हमारी मम्मी इधर बैठी है दोस्तों। गुड मॉर्निंग। तो ये मिर्ची है, मिर्ची का बिच्चा निकाल रही है और इधर में हमारे मम्मी लहसुन का छिलका निकाल रहे हैं दोस्तों। और चटनी कूट के रखा था वो खत्म हो गई है दोस्तों, इसके लिए आज हम लोग चटनी कूट के रखेंगे। हमारी मम्मी देखिए इधर में लहसुन का छिलका निकाल रही है। हाँ उर्मिला, तो अभी धूप देखिए लग रहा है थोड़ा थोड़ा। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं जा रहा हूँ, गाय को पानी भी पिलाना पड़ेगा दोस्तों। गाय चिल्ला रही है क्योंकि अभी 9:30 बज गया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों पानी पिलाने के लिए। उर्मिला शायद आएगी सुबह सुबह में बहुत कंटाल जैसा आ रहा है। आलसपन होगा तेरे शरीर में, उसको निकाल फेंको। नहीं, थोड़ा शरीर है ना दर्द हो रहा है क्योंकि ये बादल की वजह से। कसरत नहीं कर रहे? नहीं, कसरत तो चालू ही है, सुबह शाम कसरत चालू है। सुबह शाम कसरत चालू है। चलो जल्दी पानी पिला देते हैं। हेलो दोस्तों, देखिए मैं शेड में आ गया हूँ और अभी गाय इंतजार कर रही है पानी पीने के लिए। दोस्तों देखिए, खाना बना खा लिया है, सूखा वाला घास दोस्तों, देखिए सब लोगों ने खा लिया है। इधर से देख सकते हैं, मैं पहले गोबर उठा लेता हूँ तो आप लोग बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, मैं गोबर भी उठा लिया और झाड़ू भी लगा दिया है दोस्तों। और इधर में उर्मिला पानी पिलाते आ रही है, आज पाइप से नहीं पिलाएंगे, उर्मिला बाल्टी भर भर के ला रहे हैं दोस्तों। हाँ उर्मिला, देखिए दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा गीला हो जाता है ना, इसकी वजह से आज बाल्टी भर भर के ला रहे हैं उर्मिला, तो बाल्टी में ही पिलाएंगे। इधर में पिला दिया है ये, और ये तीन बाकी है दोस्तों, और ये साइड भी पिला दिया है उर्मिला ने, सबको पिला दिया है, तीन ही बाकी है तो अभी पिला रही है। हेलो दोस्तों, फाइनली मैं पानी पिला ही दी हूँ और पूरा अभी खड़े होकर देखने लगे हैं। और ये लास्ट वाला था तो इसने भी पी लिया है, तो ये थोड़ा बहुत बच गया था तो उसको मैं अभी उधर में रख देती हूँ, क्योंकि वो बाद में फिर अभी तो नहीं पियेंगे, क्योंकि दोपहर को तो नहीं पी पाते हैं, क्योंकि अभी खा लिया अच्छे से घास और पानी भी बढ़िया से पी लिया है। और कहे कि अभी ये लोग अपना आराम करेंगे, जो पेट में घास है उसको चबाएंगे बैठे बैठे। और ये देखे बछड़ू, आज इसको नहीं छोड़ा मुझे ने, क्योंकि इसको छोड़ना था चरने के लिए, लेकिन देखिए कैसे कर रहा है। आओ ये देखिए, ये देखिए चाट रहा है मुझे। ये देखिए इसमें कौन दिख रहा है, देखिए बहुत प्यारा है। चटनी कूट रही है सुबह सुबह में, इधर में मिर्ची सुखाने के लिए डाल दिया है लेकिन धूप नहीं लग रहा है दोस्तों, और मसाला तो कूट लिया है। और इधर में दोस्तों देखिए, अदरक और लहसुन का छिलका निकाल के रखे हैं, तो अभी हमारे मम्मी चटनी कूटेगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कैसे कूट रही है, ये देखिए दोस्तों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है कूटने के लिए दोस्तों, इतना सारा कूटना है ना, इसकी वजह से दोस्तों। तो हम लोग भी जा रहे हैं घास काटने के लिए दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो हम लोग देखिए घास को ऐसे बांध के लेके जा रहे हैं अभी घर पे, और बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है इसके लिए, ये देखिए पूरा पसीना पसीना निकलने लगा है, क्योंकि सुबह में धूप नहीं लग रहा था, अभी धूप बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो चलो दोस्तों घर पर ही मिलते हैं। तो हेलो दोस्तों, फाइनली हम लोग घर पर आ गए हैं और राकेश जी अंदर लेके चला गया है, ये देखिए उसमें कुछ है वो लेके आओ।
तो हेलो दोस्तों, फाइनली हम लोगों की चटनी मम्मी जी ने कूट दी है और राकेश जी क्या खोदने लगा है, लेकिन बहुत छोटा छोटा ये ठंडी है, आलू नहीं रे, आलू है देसी वाला आलू। हाँ, अरबी अरबी मतलब में, अरे यार हमारे भाषा में आलू बोलते हैं ना, इसके लिए आलू ही। अरबी अरबी देसी वाला अरबी जो मिलता है ना, तो हम लोग गांव में ऐसे ही लगा के रखते हैं, रोप देते हैं मतलब में। तो राकेश जी खोदने लगा है, वो उसमें तो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा में नहीं लगाई थी, थोड़ा ही। ये देखिए, तो दोस्तों फाइनली राकेश जी ने निकाल लिया है। ये देखिए, ये अरबी है देसी वाला है ना, अरबी के कंद है मतलब में। तो आज राकेश जी कुछ खास बनाने वाला है क्या? हम लोग अरबी कैसे खाते हैं, अरबी के ये कंद है, हाँ ये कैसे बना के खाते हैं वो आज हम लोग दिखाएंगे। ये देखिए, बहुत टेस्ट लगता है, कोई खाने का तरीका किसी किसी का अलग रहता है, तो हमारा भी अलग ही है। हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग ये अरबी ये कंद खाएंगे और कैसे खाते हैं वो दिखाएंगे दोस्तों। हाँ, तो देखिए पानी भी भर दिया इसमें धोने के लिए, क्योंकि मिट्टी में रोपते हैं ना, तो मिट्टी वाला है ना इसकी वजह से। हाँ, तो इसको अच्छे से धो देंगे तो फिर मिट्टी भी निकल जाएगी है ना राकेश। हाँ, हाँ, खुजली भी करता है ना, वो तो कच्चा रह जाता है, पकता नहीं ना, तो खुजली कर ही देता है, खिचखिच होता है गले गले में खिचखिच हो जाता है ना। तो देखते हैं, अच्छा पकाना है। हाँ, अच्छा पकाना, नहीं तो गले में खिचखिच होगा। तो दोस्तों मैं अभी धो लेता हूँ, फिर बाद में दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, इधर में ये जो दिख रही है, ये सींग है, सेजन के पेड़ को आई है, तो कितनी सारी आई है, लेकिन यहाँ से दिखेगी नहीं लकड़ी जैसे। ये देखिए, और चिड़िया भी आ गई है वो फूल को रस चूसने के लिए। ये देखिए कितनी सारी चिड़िया भी घूम रही है यहाँ पे, और पूरा इतना बड़ा हमारे घर पे सेजन का पेड़ है। ये देखिए, ये पूरा सेजन का पेड़ ही है। तो दोस्तों अभी देखते हैं राकेश ने धोया कि नहीं। तो फाइनली राकेश ने धो दिया है अच्छे से, और अभी किचन में चलते हैं। हाँ, तो दोस्तों देखिए अभी किचन में चलते हैं, उर्मिला बनाएगी, कैसे बनाती है वो दिखाएगी आप लोगों को। दोस्तों देखिए, बहुत मस्त धो लिया है, ये देखिए कहीं मस्त लग रहा है, पूरा मिट्टी मिट्टी जो निकल गया ना। हाँ, मिट्टी निकल गया, पूरा अच्छा धो लिया है। तो अभी उर्मिला पकाएगी, फिर हम लोग खाएंगे दोस्तों। और ये जो अरबी राकेश जी ने धो के रखे हैं, इसको मैं घर में लेके जा रही हूँ अभी। तो दोस्तों देखिए, गैस पे मैं गरम करने के लिए पानी चढ़ा दी थी, और अरबी भी लेके आ गई हूँ अंदर में। कितनी अच्छी धो के रखी है, देसी वाला अरबी हमारे गांव में मिलता है, तो अपने घर में मैं रोप दी थी इसको, और आज खाने के लिए मिल रहा है। इतने ऐसे में तो खरीद के लाएंगे तो ऐसे में बहुत महंगा मिलता है, आप लोग तो खाए भी होंगे खरीद के, लेकिन गांव की बात ही कुछ अलग है दोस्तों। तो पानी को मैं गर्म होने देती हूँ, उबलेगा तभी इसमें मैं ये डालूंगी। तो आप लोग, तो हेलो दोस्तों, फाइनली पानी इतना अच्छे से उबलने लगा है, पूरा पानी उबल रहा है, और ये अरबी जो रखी है तो इसमें मैं एक एक करके ऐसे डाल देती हूँ, क्योंकि पानी ना हाथ पे उड़ के आए इसके वजह से संभल संभल के। और जितना इसमें कुकर में रहेगा उतना ही मैं उसमें डालूंगी दोस्तों। तो हेलो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अभी मैं कुकर में डालती जा रही हूँ, और इतना तक डाली हूँ, जितना रहेगा उतना ही रखूँगी इसमें। और खाने के लिए तो बहुत स्वादिष्ट रहती है, इसके लिए जितना पकाओ उतना खाने का ही मन करता है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, और हम लोग तो बहुत चाव से खाते हैं इसको मज़े में। तो दोस्तों देखिए, पूरा का पूरा
हो ही गया है, रह गया, मैं सोची नहीं रहेगा, लेकिन 1 केजी से ज़्यादा ही होगा ये लगता है। पूरा रह गया तो मैं डाल ही दी हूँ इसमें। तो दोस्तों इसका मैं अभी ढक्कन बंद कर देती हूँ, काहे के इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ, गर्म पानी है तो तुरंत पक जाएगा। तो दोस्तों मुझे इसमें कुछ ऐड नहीं करना था, इसकी वजह से ऐसे ही ढक्कन बंद कर दी हूँ। और अभी इसका सीटी लगेगा दो तीन, तो मैं कुकर को भी गैस को बंद कर दूंगी। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों फाइनली मैं गैस बंद कर दी हूँ और 3 सीटी लग चुकी है। अभी आप सभी को मैं इसमें खोल के दिखा रही हूँ कुकर में। वाओ, धुआं निकल रहा है। तो इसको मैं सही रखूंगी तो खराब ना हो जाए। इसकी वजह से मैं इसको टोकरी में निकाल के दिखाती हूँ, जो ये टोकरी ला के रखी है इधर में। तो पूरा ये इसमें देखिए, और मैं दबा के भी दिखा रही हूँ कितना प्यारा दब रहा है और बहुत बढ़िया से पक गया है। तो पूरा मैं इसको एक एक करके टोकरी में निकालूंगी, तो पानी जो है वो निकाल देना है। इसकी वजह से ऐसे करके मैं निकाल के टोकरी में रख रही हूँ, देखिए। तो दोस्तों देखिए फाइनली मैं पूरा का पूरा इसमें टोकरी में निकाल दी हूँ और बहुत अच्छा धुआं भी निकल रहा है इसमें से, काहे के पक गया है ना, इसके लिए बहुत बढ़िया से धुआं निकल रहा है। तो अभी मैं इसको एक छिलका निकाल के दिखाती हूँ। और ये क्या है, उबलने के बाद ऐसे भी खा सकते हैं। अभी तो चटनी कूटना बाकी है और रोटी भी बाकी है, लेकिन ये देखिए कितना अच्छे से पक गया है। तो बहुत दोस्तों बहुत अच्छे से पक गया है। और इसको मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ ठंडा होने के लिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही हम लोग खाएंगे। राकेश जी सब आएंगे, मम्मी जी भी नहीं है, राकेश जी भी नहीं है, पापा जी भी नहीं है, तो वो लोग आएंगे अभी, तब हम लोग खाएंगे। और शाम का टाइम होता जा रहा है। देखिए ये देसी धनिया है, तो देसी धनिया, और ये देखिए तीखा वाला मिर्ची भी लेके आया हूँ दोस्तों। तो तीखा वाला मिर्ची और धनिया और लहसुन, लहसुन का मस्त चटनी अभी कूट लेता हूँ। और मिला देखिए बहुत मस्त बढ़िया देसी धनिया का चटनी अभी कूट रहा हूँ दोस्तों। और इधर में अभी उर्मिला रोटी बना रही है। और इधर में देखिए, ये देखिए आरपी के कन तो मस्त पक के रेडी हो गई है, लेकिन अभी चटनी कूट लेता हूँ। रोटी भी इधर बन रही है, गर्मा गर्म खाएंगे। तब तक मैं अभी चटनी कूट लेता हूँ दोस्तों, आप लोग बने रहिए, बहुत मजा आने वाले है। देखिए राकेश जी ने पूरा छिलका निकालना चालू कर दिया है और इसको मिक्स करना है ना चटनी में। इसको तड़का बड़का नहीं लगाते हैं हम लोग, गांव में हम लोग ऐसे ही खाने में टेस्टी लगते हैं। मजा ही कुछ और है, ये देखिए गजब की चीज है। नहीं बोला नहीं, कुछ नहीं बोला नहीं। और मम्मी जी तो ऐसे ही छिलका निकाल के खाने लगे इधर में, क्योंकि ऐसे ही हमारे गांव में तो खाते हैं ना। हो गया ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से छिलका निकल जाता है, ये करके दिखाया। हो गया, ज्यादा मत खाओ। तो राकेश मम्मी जी को बोल रहा है और मम्मी जी बोल रही मुझे भी देगा। देखिए मैं तो खाऊंगी अपने से, तुम दोनों के लिए करो। तो हमारे मम्मी अभी देखिए अभी मिक्स कर रही है, इसमें चटनी डाल दिया दोस्तों। ज्यादा मत डालो, तीखा होगा। इतना क्यों डाल रहे हो, हाथ को फिर जलन जैसा होगा। तो दोस्तों देखिए फाइनली राकेश ने कितना अच्छा अरबी के कंद को का आलू बना, ए तो आलू बना दिया, चोखा मतलब। अरबी के कंद का चोखा बना दिया है। हम लोग ऐसे करके खाते हैं, हम लोग तड़का नहीं लगाते हैं। तो देखिए उबाल के फिर इसमें चटनी डाल दिया है और इसमें मस्त मिक्सिंग भी कर दिया है दोस्तों। देखिए काफी बढ़िया लग रहा है। अभी चावल के रोटी के साथ हम लोग खाएंगे। रोटी भी इधर ऑलरेडी रोटी भी तैयार है। और ये क्या है, अरे यार ये तो हरी मिर्ची कूट के रखी है, भूज के रखी है मतलब में। और राकेश जी बांटने लगा है दही की तरह, दही दही जैसे।
और हम लोग गांव में ऐसे ही खाते हैं, है ना? लेकिन देहाती लोग, लेकिन इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है क्योंकि धनिया की चटनी होती है ना, चटनी है लहसुन डाल के खाओ। मम्मी जी के लिए और मेरे लिए इधर में रख दिया है और वो तो कटोरा में ही खाएगा। देखिए एक नंबर, बहुत बढ़िया लगता है। मम्मी खाओ खाओ। बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों, हमारी मम्मी भी खाएगी। मम्मी जी को चटनी अच्छी देसी है ना, हाँ। और भी देसी है, मतलब में इसको ज्यादा पकाना पड़ता है, नहीं तो गले में खिच खिच होता है। तो उर्मिला ने बहुत बढ़िया पकाया है। तो चलो खा लो, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हम लोग खा लेते हैं, हाँ उर्मिला, तो आप लोग बने रहिए। दोस्तों तो हमारा खाना पीना मस्त हो गया है, हाँ उर्मिला, हाँ करती है। अब हाँ करना ही पड़ेगा क्योंकि अब रात हो गई है, तो हाँ तो करना ही है ना। तो दोस्तों आज का सब्जी यार बहुत बढ़िया लगा, अरबी का कंद का। दोस्तों हम लोग चोखा बना के खाए थे, जैसे आलू का चोखा और टमाटर का चोखा, वैसे ही हम लोगों ने आज अरबी के कंद का उबाल के दोस्तों चोखा बना के खाए, बहुत बढ़िया लगा। और मिला कुछ बोलना चाहती हो तो बोलो। मैं तो क्या बोल सकती हूँ, और बहुत राकेश को बहुत मजा आया खाने में, तो अभी बोल रहे थे चलो थोड़ा एंडिंग कर देते है वीडियो का, है ना? हाँ हाँ। तो चलो दोस्तों हम लोगों का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, हमारे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। दोस्तों जय हिंद जय आदिवासी। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।